सपेरे लोग दूध पिलाते हैं तो भूखे हुए होते हैं, काफी समय से दांत तोड़ के रखे हुए होते हैं, तो उनके सामने रखते हैं तो हाँ मरता नहीं तो करता क्या, मजबूरी में दूध पी लेता है फिर तो उसकी मौत हो जाती है एक हफ्ते बाद। हाँ हाँ 6 महीना तक रह सकते हैं। जय हिंद फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मौर्य स्नैक्स एंड मौर्य स्नैक्स एंड यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमें सूचना मिली है गोंडा डिस्ट्रिक्ट के लोलपुर गांव से, मैं पहुंच चुके हैं। भाई के द्वारा सूचना दी गई कि यहां पे इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा भारतीय नाग निकला हुआ है, तो हम मौका पहुँच चुके हैं। आप देख सकते हैं स्थिति बेहद खतरनाक है, ठंड का महीना है और ठंड से बचने के लिए उन्हें ये लगा कि शायद हम सुरक्षित जगह नहीं लिए हैं, सुरक्षित जगह के चक्कर में बाहर आए और ठंड के प्रभाव से शरीर निष्क्रिय हो गई, तो वहाँ पे पड़े हुए हैं। तो मौका पर हम पहुँच चुके हैं, उन्हें रेस्क्यू करते हैं, थोड़ा आग दिखाया जाएगा, आग दिखाने के बाद पैक करके उन्हें लेके चलेंगे फॉरेस्ट की तरफ, क्योंकि ठंड का महीना है। और आप लोग देख सकते हैं बताया जा रहा है कि यहाँ पर कुछ ईंटें हटाने का कार्य हो रहा था और इसी दौरान इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा भारतीय नाग यहाँ पे दिखा हुआ है, जो कि आप इनकी स्थिति को देख सकते हैं कि यहाँ पर ठंड से परेशान निष्क्रिय पड़े हुए हैं, ये भागने में भी सक्षम नहीं। इनकी स्थिति को आप देख सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी शरीर ठंड से बेकाबू है, ठंड से बेहद परेशान है। इनकी स्थिति को आपके देख के अंदाजा लगा सकते हैं, है तो बिग साइज का लेकिन ये ठंड से काफ़ी परेशान है। तो इन्हें हम तो लोग थोड़ा आग दिखाने का कार्य करते हैं, आग दिखाने के बाद फिर इन्हें रखेंगे और लेके चलेंगे फॉरेस्ट की तरफ। तो मिनी हम थोड़ा आग दिखाने का कार्य करते हैं, यहाँ पे तपा दें। हाँ ठंडी से एकदम बेकाबू है, ये ज़्यादा नहीं आधा घंटा और होते तो इनकी मौत हो जाती है। इस समय इनकी जिंदगी संकट में निकालता है। हाँ इन्हें ये लगाना कि जहाँ पे ये छिपे हुए हैं वो शायद ठीक जगह नहीं, वहाँ पे ठंड लग रहा है, सोचे कि हम जगह बदल दें, उसी के चक्कर में निकले और बाहर निकलने के बाद और स्थिति बिगड़ गई। हाँ इन्हें सेकने के बाद इन्हें पैक करेंगे, नहीं कोई दिक्कत नहीं, वो चीज नहीं है सर, जैसे हमारा मतलब इनका जिंदगी बचाना। हाँ नहीं नहीं दूध पीने से इनकी मौत नहीं, दूध नहीं, दूध को पचाने वाला इनके अंदर एंजाइम नहीं पाया जाता, हाँ दूध पिलाने के बाद इनकी मौत हो जाएगी। कौन सा सांप है? ये इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा भारतीय नाग है। सुने चाची का है सांप को भी देना है, नहीं पिता, हाँ दूध नहीं पिलाया जाता, वो तो एक धर्म संस्था बनी हुई है उसके हिसाब से हम लोग काम करते हैं। इनको सही चीज ये है कि इनके अंदर दूध को पचाने वाला एंजाइम नहीं पाया जाता है, दूध को नहीं पचा सकते। हाँ पानी के कमी से कार्य, हाँ पानी पी सकते हैं ये, दूध को नहीं पी सकते। सपेरे लोग दूध पिलाते हैं तो भूखे हुए होते हैं, काफी समय से दांत तोड़ के रखे हुए होते हैं, तो उनके सामने रखते हैं तो हाँ मरता नहीं तो करता क्या, मजबूरी में दूध पी लेता है फिर तो उसकी मौत हो जाती है एक हफ्ते बाद। हाँ हाँ 6 महीना तक रह सकते हैं।
तो नागराज के अंदर अब इनके अंदर अब कुछ ऊर्जा आने लगी है। हालांकि एक खास चीज होती है कि इनके आंख में पलक नहीं होती, कि इनके आंख में गर्दा मिटती है तो वो निकलती नहीं। जैसे हम लोगों के आंख में गर्दा मिटती है, पलक झपकाते हैं मिट्टी निकल जाती है, किंतु इनके आंख में पलक नहीं होती, इनकी आंख डायरेक्ट होती है। तो नागराज को हम आग दिखा चुके हैं, इनके अंदर कुछ ऊर्जा आ गई है और इन्हें हम पैक करेंगे। तो इन्हें हम रखते हैं डिग्गी में, लेके चलते हैं फॉरेस्ट की तरफ जहाँ पे इन्हें रिलीज किया जाएगा, क्योंकि इनकी स्थिति बेहद खराब है ठंड की वजह से। इन्हें हम रखते हैं जाए अपने आप को एडजस्ट करके आसानी से जीवन व्यतीत करें इंसानी बस्ती से दूर। तो आप देख सकते हैं इसने कितना खूबसूरती के साथ अपने प्राकृतिक परिवेश नेचर में जा रहा है, यहाँ पे अपने आप को एडजस्ट करके आसानी से जीवन व्यतीत करेगा निर्भय होकर के इंसानी बस्ती से दूर, क्योंकि ये इंसानी बस्ती के जीव नहीं है इनका। और स्नेक अपने प्राकृतिक परिवेश नेचर में जा चुका है। हमारा जंतु बचाने का कार्य अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अपना कीमती समय दे करके इस एपिसोड को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।